नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारी ओ की मात्रा की थी, राइट? इस बार हम लोग औ की मात्रा करेंगे। तो देखो, औ और औ दोनों एक जैसे लगते हैं, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। अगर हम लोग बोलने में मिस्टेक करेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग लिखने में भी मिस्टेक करेंगे, राइट? तो वो हमें खास ध्यान देना है कि ओ और औ की मात्रा हमें कैसे बोलनी है और कैसे हमें उसको लिखनी है, राइट? तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार हमारी जो सारी मात्रा है उसका एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी मात्रा है वो सीखी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अ की मात्रा, मैं बार बार हर रोज ये इसलिए करवाती हूँ ताकि हम लोग भूल ना जाए, उसमें कोई मात्रा होती नहीं है, राइट? फिर उसके बाद आता है आ। क्या आता है आ? तो आ की अंडरस्टैंडिंग लाइन होती है सिर्फ, राइट? जैसे कि का, खा, और यहां पढ़ते बिना मात्रा का क, ख, ग, और यहां पर गा, राइट? फिर होता है ई। क्या आती है ई? तो ई में किस तरीके ऐसी मात्रा होती है, राइट? छोटी ई। तो यहां पर शब्द कौन कौन से बनेंगे? की और गी, राइट? फिर उसके बाद आती है बड़ी ई। क्या आता है? बड़ी। तो बड़ी की मात्रा इस तरफ होती है, तो उसकी भी शब्द कैसे बनते हैं? की गी, राइट? फिर उसके बाद क्या आता है? ऊ। तो ऊ से कौन सी मात्रा है? ये, राइट? तो इसके शब्द कौन कौन से बनेंगे? कु के बाद आता है खू, फिर गू, ओके, और उसमें उसके बाद आता है बड़ाऊ। तो बड़ाऊ की मात्रा इस तरफ होती है, तो उसका कैसे बनेगा? कू, खू और गू, राइट? और उसके बाद आ, ई, ई, उ, फिर उसके बाद रू। तो रू की मात्रा इस तरफ, क्रू, क्रू, ग्रू, राइट? ये भी हमने कर लिया है। फिर आ, ई, ई, उ, रू के बाद आता है ए। क्या आता है? ए। चलो, ये यहां पर मेरा नहीं समाएगा तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, राइट? ये हमने रफ कर देती हूँ, ओके? ऑलरेडी ये हमने सीख ही लिया है। अभी हम ए की मात्रा करते हैं। तो ए की मात्रा में कैसे करेंगे? ए की मात्रा में ऊपर क्या आता है? एक मात्रा आती है। क्या आती है? एक मात्रा। तो उसके शब्द कैसे बनेंगे? के, खे, गे, राइट? उसके बाद आई। क्या दिखा है? आई। तो उसके ऊपर दो मात्रा आती है, कई, खई, गई, राइट? और उसके बाद लास्ट में हमने क्या सीखा था? ओ, राइट? तो ओ की मात्रा कैसी होती है? ऐसे, राइट? एक ऊपर स्टैंडिंग लाइन बाजू में और एक ऊपर मात्रा, तो उसका कैसे बनेगा? कौ, खौ, और सॉरी, को, खो और गो। को, खो, गो। और आज हम सीखेंगे औ की मात्रा। क्या सीखेंगे? औ की मात्रा। तो उसमें क्या होगा? ऊपर दो मात्राएं और बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन, तो उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? कौ, फिर क्या बनेगा? खौ, फिर क्या बनेगा? गौ, राइट? तो ये हमारी सारी मात्रा कंप्लीट हो जाएगी आज हम लोग, और आज हम ये कौ का लेसन भी कर लेंगे, ओके? तो चलो, आज हम लोग एक, जैसे कि हमने ओ की मात्रा में हमने कैसा वीडियो देखा था, पीपीटी थ्रू वाला,
राइट उसी तरह हम लोग ये वीडियो देखेंगे और हम लोग इसी वीडियो में हम सारा ये जो हमारा लेसन है वो करते हैं राइट तो चलो अभी हम लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो हिंदी स्टैंडर्ड टू हमारा राइट नाउ अभी हम लोग औ की मात्रा करेंगे क्या करेंगे औ हमने अभी तक ओ की मात्रा कर ली है आज हम लोग हमारा औ का चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं राइट औ अ के ऊपर दो मात्रा अ के बाजू में एक मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर दो लाइन होती है ऊपर दो मात्रा लगती है और बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन लगती है राइट तो बनता है औ और ओ के अंदर ऊपर एक मात्रा होती है और बाजू में स्टैंडिंग लाइन होती है ऑलरेडी हमने बोर्ड में देख लिया है अ ओ और औ को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं राइट ओ और औ में हमें मिक्स होना नहीं है मिक्स करना नहीं है राइट तो चलो अभी औ हम औ का स्टेप स्टार्ट करते हैं तो हमारा पेज नंबर 45 पेज नंबर 45 में सबसे पहले हमें क्या दिया है कौ चौ टौ तौ पौ सौ राइट यानी कि हमारी पूरी वर्णमाला पूरी वर्णमाला में हम लोग औ से शब्द लगाएंगे जो हमारा व्यंजन है उसके साथ हम प्लस औ करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा औ वाला राइट उच्चारण उसका औ होगा कौ खौ गौ राइट देखो हमारी ये जो वर्णमाला है जो हम लोग सी डब्ल्यू में लिखने वाले हैं राइट तो क के ऊपर दो मात्रा एक बाजू में स्टैंडिंग लाइन तो क्या बनेगा कौ खौ गौ घौ चौ छौ झौ झौ टौ ठौ डौ ढौ अणौ तौ थौ दौ धौ नौ पौ फौ फ के ऊपर रह गई है राइट फ के ऊपर करनी है आप लोगों को फौ बौ भौ मऊ यौ रौ लौ वौ शौ सौ सौ हौ क्षौ त्रौ ग्नौ श्रौ देखो कई सारे शब्द है कि अण क्ष उन सब में ये दो मात्रा ज़्यादातर ऐसे शब्द यूज नहीं होते राइट कि जिसके ऊपर दो मात्रा हो एक मात्रा हो जैसे कि अणौ ऐसे शब्द ज़्यादातर बनते नहीं है बट हमने तो यहाँ पर क्या किया है सिर्फ जो वर्णमाला है उसमें ये सारी मात्रा हमने लगा के उसको सही किया है राइट फॉर्म में मैंने नहीं लगाई आप लोगों को लगा देनी है ओके डन नाउ हमारी जो बुक है बुक में पेज नंबर 45 है उसमें हमें कुछ दिया है राइट पहले अभी हम लोग वो सॉल्व करते हैं देखो पेज नंबर 45 निकालो उसमें सबसे पहले क्या है एक पौधा का चित्र है राइट गमला है और गमले के अंदर क्या है एक छोटा सा पौधा है तो पौधा पौ प्लस धा पौधा पौ प्लस धा पौधा राइट तो ये गमला तो है पर गमले के अंदर क्या है पौधा खाली गमला नहीं है ना तो पौ प्लस धा पौधा फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है एक हथौड़ा क्या है हथौड़ा तो ह प्लस थौ प्लस थौ प्लस डा हथौड़ा ह प्लस थौ प्लस डा डा कैसा है नुक्ता वाला उस पर हम थोड़ा सा जोर लगाते हैं हथौड़ा जिसके हम लोग हमारी घर में किसी जगह पर हमें खील लगानी होती है राइट तो वहाँ पर हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं राइट हथौड़ा फिर उसके बाद क्या है नौका नौका यानी कि नाव बोट राइट नाव छोटी सी नाव होती है जिसको नौका कहते हैं नौ प्लस का नौका नौ प्लस का इज इक्वल नौका फिर उसके बाद क्या है चौकीदार चौकीदार यानी कि वॉचमैन जो हमारे घर की रखवाली करता है जो हमारी ऑफिस की रखवाली करता है जो हमारी स्कूल की रखवाली करता है राइट उसको क्या कहते हैं चौकीदार राइट चौ प्लस की
प्लस दा प्लस र चौकीदार यानी कि वॉचमैन राइट। फिर उसके बाद है हमारे शब्द राइट, बोलकर पढ़ो, ये सारे शब्द होते हैं वो हम लोग सी डब्ल्यू में भी लिखते हैं राइट। तो चलो सबसे पहले दो लाइन पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट टू लाइन, कौन कौन नहीं पर कौन, दौड़ कौवा, चौथा लौकी चौकी, मौसी गौरी राइट। कौन यानी कि कौन है, दौड़ कौवा चौथा लौकी चौकी मौसी गौरी। फिर उसके बाद लास्ट टू लाइन, नौकर मौसम दौलत चौदह सौदागर, सौदागर यानी कि जो व्यापार करता है राइट, यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जो व्यापारी करता है उसको कहते हैं सौदागर, सौदा करता है चीज़ों का राइट। सौदागर नौकरानी जौनपुर नौजवान, जौनपुर गांव का नाम है जौनपुर नौजवान राइट। नौकर मौसम दौलत चौदह सौदागर नौकरानी जौनपुर नौजवान, सारे वर्ड एक बार रीड कर लेते हैं, कौन दौड़ कौवा चौथा लौकी चौकी मौसी गौरी नौकर मौसम दौलत चौदह सौदागर नौकरानी जौनपुर नौजवान राइट। तो ये सारे शब्द आते हैं वो हमें क्या करना है, वो हमें एक बार रीड करने हैं ओके। नाउ पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 पर क्या है हमारा लेसन, क्या है हमारा लेसन। तो लेसन में हम लोग जब बड़े हो गए ना, हमने लास्ट बार देखा था कि हमें शब्दार्थ आते हैं यानी कि शब्दों के अर्थ राइट। शब्दों के अर्थ हमें पता होगा तो हम लोग उसको जो हमारा वाक्य में वो शब्द आएगा तो वह वाक्य हमें ठीक से समझ आ जाएगा। अगर हमें शब्दों के अर्थ पता होता तो राइट, जैसे कि हमें पता होता है कि चौकीदार यानी कि क्या, कि जो चौकी करता है राइट। फिर ऐसा कहेंगे चौक, देखो यहाँ पर शब्द अर्थ कौन कौन से दिए, चौक तो चौक यानी कि चौराहा, जहाँ पर चौराहे पर सभी लोग बैठते हैं ना, हमारे घर के बाहर या हमारे शहरी के बाहर कुछ ऐसी चार रास्ते पड़ते हैं और या तो कोई बाहर बैठने की जगह होती है राइट, खुला सा बड़ी खुली सी जगह होती है तो हम उसको कहते हैं चौक, क्या कहते हैं चौक, चौराहा, जहाँ पर बैठे बैठे सभी लोग बातें करते हैं चौराहे पर राइट। चौक यानी कि चौराहा। और फिर है मौज, मौज यानी कि मस्ती आनंद राइट, मौज करनी राइट, हम कहते ना कि मौज मारवानू राइट, मौज तो मौज यानी कि मस्ती और आनंद। तो हमारा ये चैप्टर है लौकी का हलवा, क्या है लौकी का हलवा। तो हलवा यानी एक स्वीट है और लौकी आटले के दूधी राइट, दूधी नो हलवो भावे ने बताने राइट। लौकी का हलवा, लौकी का हलवा में क्या है, सबसे पहले देखो कि पेड़ पर बैठा कौवा बोला, पेड़ पर बैठा कौवा बोला, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा है और वो बोला, पेड़ पर बैठा कौवा बोला। मैं बार बार इसलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि ये रीड करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ तक हमारी शायद सभी मात्रा हो गई है और ये और हमारी लास्ट मात्रा थी जो हमने अभी कर ली है, तो इसमें से ये पूरा लेसन हमें रीड करना आना चाहिए राइट। ये जो हमने पूरी सारी की सारी मात्रा सीख ली है उसी की ये सारा लेसन है। पेड़ पर बैठा कौवा बोला, मौसा आए मौसा आए, मौसा यानी कि क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मौसा यानी कि हमारी मासी के पति, और हमारी मासी यानी कि क्या, हमारी मौसी यानी कि क्या, मौसी यानी कि मासी यानी कि हमारी मम्मी की यस बहन, हमारी मम्मी की जो बहन होती है उसको कहते हैं मौसी राइट। और मौसी के जो पति होते हैं उसको कहते हैं मौसा।
मौसा आए मौसा आए, पेड़ पर एक कौवा बैठा है और वो बोल रहा है मौसा आए मौसा आए। मौसा यानी कि हमारे मौसी के पति, राइट। जाओ जाओ चौक जाओ, जाओ जाओ चौक जाओ। चौक यानी कि क्या, चौक यानी कि चौक जाना ऐसा नहीं, पर चौक यानी कि चौराहे पर जाओ, राइट। हम किसी मेहमान को चौराहे तक लेने जाते हैं और उन्हें चौराहे तक उसको छोड़ने भी जाते हैं, राइट। तो ये कौवा कह रहा है क्या कि जाओ जाओ चौक जाओ। पेड़ पर बैठा कौवा बोला मौसा आए जाओ जाओ चौक जाओ, थैला भरकर लौकी लाओ। क्या कह रहा है, थैला भरकर लौकी लाओ, हलवा बनाओ कचौड़ी बनाओ। कचौड़ी यानी कि हमारा एक खाने की चीज है कचौड़ी, राइट। हलवा बनाओ कचौड़ी बनाओ, हलवा किसका बनेगा, लौकी का। हलवा बनाओ कचौड़ी बनाओ, पूड़ी और पकोड़े बनाओ। मेहमान आते हैं तो हम लोग भी ऐसे स्वीट्स बनाते हैं ना, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, कोई फरसान बनाते हैं, राइट। तो कचौड़ी बनाओ, पकोड़ा बनाओ, पूड़ी बनाओ, ऐसी सभी बात हो रही है, राइट। क्योंकि कौन आया है, मौसा आए हैं। हलवा बनाओ कचौड़ी बनाओ, पूड़ी और पकौड़े बनाओ, लौकी का हलवा भी खाओ। अभी सब कुछ बन गया, अभी खाना है, लौकी का हलवा भी खाओ, खाओ पीवो मौज मनाओ। सब कुछ बनता है, सभी इतनी सारी चीज़ें बनती है, कचौड़ी पकोड़ा फिर हलवा, तो हमें कितना अच्छा लगता है, राइट। तो लौकी का हलवा भी खाओ, खाओ खाओ मौज मनाओ। और सब कुछ अच्छा अच्छा खा के हम लोग एकदम मौज में, यानी कि एकदम मस्ती में, एकदम आनंद में आ जाते हैं, राइट। एकदम मौज में आ जाते हैं, राइट। खाओ 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 पियो मौज मनाओ। कौशल आया सौरभ आया, कौशल आया सौरभ आया। फ्रेंड्स है, कौशल आया सौरभ आया, कौवे ने भी शोर मचाया, कौवे ने भी शोर मचाया। मौसा आए पूड़ी और पकोड़े खाए। फिर मौसा आए और सभी ने पूड़ी और पकोड़े खाए। और कौन कौन आया था, कौशल और सौरभ भी आए, राइट। चलो पूरा लेसन एक बार रीड करते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ही हमारे आंसर भी होते हैं, तो पूरा लेसन हमें याद होना चाहिए। यस। पेड़ पर बैठा कौवा बोला मौसा आए आ जाओ जाओ चौक जाओ, थैला भरकर लौकी लाओ, हलवा बनाओ कचौड़ी बनाओ, पूड़ी और पकोड़े बनाओ, लौकी का हलवा भी खाओ, खाओ पीओ मौज मनाओ। कौशल आया सौरभ आया, कौवे ने भी शोर मचाया। शोर यानी कि बहुत सी आवाज़ की, जब हम लोग खेलते हैं तो बहुत आवाज़ करते, तो मम्मी कहती है ना कि बहुत शोर मत करो, राइट। तो कौवे ने भी शोर मचाया, मौसा आए पूड़ी और पकोड़े खाए, राइट। तो ये था हमारा लेसन, लौकी का हलवा, राइट। सबको अच्छा लगता है ना लौकी का हलवा, राइट। अभी हमारे ये जो शब्दार्थ है ना, वो हमें किस में लिखने हैं, CW में, ओके। तो थैंक यू। तो देखा वीडियो आपने, औ की मात्रा वाला, औ से कौन कौन से शब्द बनते हैं और औ की मात्रा कैसे करनी है वो भी हमने देखा, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, औ की मात्रा है, राइट, ये हमारी औ की मात्रा होती है, उसमें क्या, उसकी चिन्ह क्या है कि ऊपर दो मात्रा करनी है और बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन करनी है, राइट। ऊपर दो मात्रा और बाजू में स्टैंडिंग लाइन। खासकर हमें याद रखना है कि हमने दो स्टेप सीखे, ओ और औ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैसे करना है एक बार वापस करवा रही हूं कि ओ में सिर्फ एक मात्रा लगती है और औ के ऊपर दो मात्रा लगती है, औ ओ औ ओ ओ औ, राइट, ओ औ। तो हमें खास ध्यान रखना है कि औ क्या उच्चारण कैसे करना है। जैसे कि मैंने उसमें जो हमने वीडियो देखा उसमें मैंने कौ खौ उसकी मात्रा अभी आप लोगों को समझाई, राइट।
औ की मात्रा हमें कैसे करनी है वो भी हमने सीखा है। सी डब्ल्यू में भी हमें वन पे सारा लिखना है, कौ खौ गौ। ओके, तो सभी में हमें औ और औ की मात्रा करनी। हमने देखा लौकी का हलवा वो भी राइट, एक बार आप लोगों को पूरा रीड करना है क्योंकि अभी हमने जो सारी मात्रा सीखी है कि चलो मैं कोई भी आप लोगों की मात्रा पूछू कि म के ऊपर एक मात्रा है तो उसको क्या कहते हैं, मे। क्या कहते हैं, मे। अगर मैं आप लोगों को ऐसा दूंगी कि न के ऊपर एक मात्रा और एक बाजू में तो ये क्या होगा, नो। क्या होगा, नो। अगर मैं ऐसा कहूंगी कि न के ऊपर दो मात्रा और एक बाजू में तो ये क्या होगा, नो। नो 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 नो। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओ और औ में बोलने में भी हमें खास ख्याल रखना है। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर दूंगी म मो और यहां पर मऊ मो मऊ, फिर यहां पर ऐसा लिखूंगी प पो पौ पो पौ। ऊपर दो मात्रा है और एक मात्रा है तो डिफरेंस हमें खास ख्याल रखना है कि ऊपर दो मात्रा थे उसको कैसे रीड करना है। एक मात्रा है तो ओ है, जैसे कि हम लोगों ने ए और ऐ में किया था राइट। हमारा ये जो ए है तो उसमें एक मात्रा लगती है और हमारा ये जो ऐ है ओके इसके ऊपर एक मात्रा होती है। दैट मीन्स कि हमारा जो वर्ड होता है उसके ऊपर दो मात्रा लगती है राइट, ए ऐ। वैसे ही ओ तो ऊपर एक मात्रा और वैसे ही औ तो उसके ऊपर दो मात्रा राइट। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, डन। तो ये खास ख्याल हमें रखना है। और लौकी का हलवा वाला लेसन हमने देखा, मौसा किसे कहते हैं वो भी हमने देखा। हमारी जो मम्मी होती है उसकी जो बहन होती है वो हमारी मौसी होती है और उसके जो पति होते हैं उसको कहते हैं मौसा राइट। और फिर हमने लौकी का हलवा के बारे में भी बात की राइट। लौकी का हलवा बनता है ना, लौकी का हलवा यानी कि दुधीनो हलवो राइट। और ये सारा जो लेसन है पूरा लौकी का हलवा वो हमें बार बार रीड करना है क्योंकि इस लेसन में सारी की सारी मात्रा के शब्द आ चुके हैं। जितने भी मात्रा हमने सीखी है अ से लेके हमारी आज की औ तक की मात्रा, उस सारी मात्राओं के शब्द इसके अंदर आ चुके हैं राइट। तो हमें ये लेसन है उसको बार बार रीड करना है ताकि हमें सारी मात्राएं वो रीड करनी आ जाए। ओके, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका जो अभ्यास है वो लोग हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और उसकी अभ्यास पुस्तिका है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे राइट। तो इस लेसन को बार बार रीड करना है, शब्दों के अर्थ को लिखना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय।